प्राइम न्यूज़ जिला छिंदवाड़ा। अभी हम खड़े हैं ये तहसील कार्यालय के पास। तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय का जो है घेराव होना है बंटी पटेल जी के नेतृत्व में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं जिले के लाडले सांसद नकुल नाथ जी के तत्वाधान में नेतृत्व में एक विशाल किसान आंदोलन रैली निकली। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी दिख रही है, पीछे आप देख सकते हैं उनकी 18 सूत्री मांग है। उनका ये मानना है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए फसल का, गरीबों के जो घर जो गिरे हैं टूटे हैं वो घर बनने चाहिए, साथ ही जो कर्ज है किसानों का बैंक में वो माफ़ होना चाहिए, उनका बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, उनके पास जो सारी समस्याएं हैं जो माचागुरों के ऑटो गेट जो खुले हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि उनमें अगर ऑटो गेट खुले तो क्यों नहीं, क्यों बिना परमिशन के, क्यों बिना सूचना के खुले। ये सारी 18 सूत्री मांग को लेकर आज एसडीएम कार्यालय का घेराव होना है, एसडीएम कार्यालय का घेराव होना है और पीछे आप देख सकते हैं भीड़ आ चुकी है। चोरई नगर में एडीएम कार्यालय में कांग्रेसियों का जमकर हंगामा एवं प्रदर्शन। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और किसान युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को चोरई में एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान नारेबाजी के दौरान बंटी पटेल ने एसडीएम सीसी पटेल का मुंह काला कर दिया। जवाबी कार्यवाही में प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया लेकिन वह भी सही तरीके से नहीं चली, जिसके बाद कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। उस दौरान हल्का पथराव भी हुआ। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को 18 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चौधरी गंभीर सिंह ने बताया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र गांव में स्थिति काफ़ी गंभीर है, 742 घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, मक्के का समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। प्रदेश सरकार कमलनाथ का इलाका होने के कारण जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं मुँह काला करने की घटना को लेकर एसडीएम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी शशांक गर्ग मौके पर रवाना हो गए। बंटी पटेल ने 60 प्रभावित गांवों की 200 किलोमीटर तक की पदयात्रा की, जिसका शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने और युवा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने किसान युवा नेता बंटी पटेल एवं तहसील कार्यालय की नायब तहसीलदार मैडम से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। पहली मांग है कि माचा गोरा डैम की जांच होना चाहिए, अचानक पानी छोड़े आटो गेट खोले उसके कारण इतनी बड़ी कमाई नहीं है। दलाल पठान टाइप के लोग वो जो है रेत का ठेका ले ली, आपके यहाँ वसूली करने जाएंगे भगाना सालों को लट मार के। हम लोग बैठे चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों की रेत, किसानों की नदी कि जिनके खेत बहे हैं उनको खेत दिया जाए, घर बहे हैं घर के 2 लाख रुपए दिए जाए, 1.5 लाख रुपए दिए जाए, सामान गीले हुए हैं उनके 1 लाख रुपए सामानों के दिए जाएं, इसके साथ ही बिजली के खम्भे लगवाए जाएं, ट्रांसफार्मर हजारों बहे लगवाए जाएं, अगली फसल हमें बोना है, इसके साथ ही मक्का को समर्थन मूल्य पर सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा के जैसा दूसरी खरीदी चालू हो गई है उस सोसाइटी के माध्यम से 1850 में छोड़ दिया गया, बच्चा छोड़ दिया गया उसको 1850 रुपये में खरीद की जाए। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देंगे, वो 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। साथ ही जिन किसानों के खेत में जाकर रेत जम गई है उसको सिरेज साफ करने के लिए उनको परमिशन बिना शर्त के उनको परमिशन दी जाए। हमारे जो किसान गरीब हैं उनके जो जानवर मर गए हैं बह गए हैं उनको उचित मुआवजा 40,000 भैंस का, 30,000 रुपये गाय का, 10,000 रुपये बकरियों का दिया जाए, ऐसी हमारी 18 सूत्री मांग है। इन मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था। वो जो एसडीएम में कोई काम का नहीं है, किसानों के 30% फसल लिखवा रहा है, 20% लिखवा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोई किसान है धीरे से 50 से 60 करवा देना। हम चेतावनी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और जो अधिकारी उनके लिए काम कर रहे हैं, हम कमलनाथ जी के सिपाही हैं, आज मुंह काला करें, कल गोली खाने से नहीं डलेंगे, जाने से नहीं डलेंगे। आज आप सुन लें, आने वाले समय में यदि इन सब व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया हमारे वरिष्ठ जनों के निर्देश पर, कमलनाथ जी के, नकुल नाथ जी के निर्देश पर, हम इतना भव्य आंदोलन करेंगे कि पूरे छिंदवाड़ा को जाम कर देंगे और जे प्रशासन की ईंट से ईंट दिला देंगे। जय जवान, जय किसान। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज़ जिला छिंदवाड़ा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।